नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में शराब की तस्करी और पियकड़ों के खिलाफ अब पुलिस काम पर लग गई है। आपको पता है कि बिहार में शराबबंदी कानून पर लगातार पिछले कुछ दिनों से सवाल उठाए जा रहे हैं और इसका बड़ा कारण है गोपालगंज और बेतिया जैसे जिलों में लोगों का जहरीला शराब पी करके मर जाना। अब ऐसे में राजधानी पटना में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, छापेमारी अभियान चलाया गया है और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 100 से अधिक होटलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है और इस दौरान कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और दो होटल मालिक को भी दबोचा गया है। शराबबंदी को लेकर सरकार के कड़े रुख को देखते हुए पटना जिले में शुक्रवार को पुलिस ने शराब तस्करों और पियकड़ों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पटना पुलिस के विभिन्न थानों की टीम ने 100 से अधिक होटलों और 50 मुसहरी में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने दो होटल मालिक समेत लगभग 100 लोगों को अलग अलग इलाके से गिरफ्तार किया है। छापेमारी में 20 बोतल विदेशी शराब और 100 लीटर देसी शराब की बरामदगी भी हुई है। छापेमारी के साथ पुलिस ने मुसहरी सहित अन्य इलाकों में जागरूकता अभियान भी चलाया। पटना में यह पहली दफा है जब पुलिस ने लोगों को शराब नहीं पीने को लेकर जागरूक किया। एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने कहा कि लगातार पूरे जिले में छापेमारी चल रही है और लगभग सभी वैसे लोगों पर नजर बनाई जा रही है, नजर रखी जा रही है जो लोग शराब के धंधे में लिप्त हैं या तो शराब पी रहे हैं। और इसी कड़ी में, इसी एवज में पटना के 100 से अधिक होटलों में लगातार छापेमारी की गई, ताबड़तोड़ छापेमारी हुई और इसमें दो होटल मालिक तो धराए ही 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जो कि बड़ा कार्य माना जा रहा है पुलिस के द्वारा, बड़ी पहल मानी जा रही है। और आपको पता है कि बिहार में शराबबंदी कानून पर सवाल उठना लाजमी हो गया था। बिहार में शराब की तस्करी ना तो रुक रही है और ना ही शराब पीने वालों की संख्या कम हो रही है, बावजूद इसके कि बिहार में शराबबंदी है। अब इस कानून पर सवाल उठना भी लाजमी था। विपक्ष लगातार नीतीश कुमार को आड़े हाथ ले रहा था, तो वही नीतीश कुमार ने भी अपनी बात समीक्षा बैठक में साफ कह दी थी और कहा था कि बिहार में अब ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। एसएचओ और चौकीदार तक पर कार्रवाई होगी, जिस इलाके में शराब की तस्करी होगी, जिस इलाके में पियकड़ों की संख्या बढ़ेगी और उन्माद फैलेगा, वैसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी कड़ी में राजधानी पटना में पुलिस ने बड़ी छापेमारी की है, बड़ा अभियान चलाया है और 100 से होटलों में लगातार ताबड़तोड़ रेड किया गया है और इसी रेड के दौरान कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। सचिवालय एएसपी काम्या मिश्रा के नेतृत्व में शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने ब्रह्मस्थली गली स्थित होटल अमन में छापेमारी की। यहां बिजली विभाग के एसडीओ की बेटी की शादी में शामिल होने आए लोग ठहरे हुए थे, वहां शराब पार्टी चल रही थी। एसडीओ ने होटल के 22 कमरे बुक कराए थे। पुलिस ने यहीं से दो कमरों से भागलपुर के शुभम, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताए जाते हैं, अंकित बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, श्वेतांक नोएडा में कोचिंग संचालक है, स्टूडेंट रणविजय, शिवम, वनित प्रशांत, अमर अभिषेक आनंद, कुमार रक्षित और मोहित आनंद जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, के साथ ही होटल मालिक सौरभ, मैनेजर दीपक कुमार, कर्मी गोविंद और डिलीवरी बॉय समेत 14 को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी कामयाबी मानी जा रही है पटना पुलिस के द्वारा। पटना पुलिस भी अब काम पर लग गई है, लगातार शराब पीने वालों और शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इस बात पर जोर दिया जा रहा है, इस बात को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है कि बिहार में शराबबंदी कानून है और इसी कानून को कारगर बनाने के लिए अब नीतीश कुमार की पुलिस जो है वो कमर कस चुकी है। और ऐसे लोगों को हिदायत भी दे दिया गया है पटना के एसएसपी के द्वारा कि अब ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे जो तकिए के नीचे शराब का सेवन करते हैं और शराब की तस्करी भी किया करते हैं। ऐसे लोगों का बचना बिहार में मुश्किल बताया गया। आप बने रहे लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।